morning, students. How are you all? Hope you all are safe and fine at your place. Welcome to the GK class again. Now, beta, today we will do lesson 22. So, open your book at page number 32. Open your book at page number 32, beta. And now look at the screen carefully. Now, beta, look at the screen. We will do lesson 22, Adventurous Sports. What is the name of the lesson? Adventurous Sports. Now, beta, what do you mean by adventurous sports? Now, see. These are the activities involving high degree of risk. These are the activities involving high degree of risk. Now, beta, what do you mean by high degree of risk? It means that these activities can be dangerous. These may cause any bad result. ये खतरनाक activities होती हैं. इनको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है. क्लियर? सो दीज आर एक्साइटिंग एंड बोल्ड स्पोर्ट्स बेटा. दीज आर इन्वॉल्विंग हाई डिग्री ऑफ रिस्क. दैट्स व्हाई दीज स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एडवेंचरस स्पोर्ट्स. हाई डिग्री ऑफ रिस्क मीन्स डेंजरस. दीज कैन बी डेंजरस बेटा. खतरनाक हो सकती हैं ये. Now see beta, first sport is paragliding. Now read it carefully beta. Paragliding is a recreational and competitive adventurous sport of flying paragliders. अब बच्चे ये paragliding क्या है? This is a sport with वाइड कैनोपी. कैनोपी क्या होता है बेटा? ये एक पैराशूट की तरह होता है जो पर्सन की बॉडी से अटैच कर दिया जाता है, जिसकी हेल्प से जो पर्सन है एयर में ग्लाइड करता है. ग्लाइड मीन्स मूव. क्लियर? सो व्हाट इज पैराग्लाइडिंग? पैराग्लाइडिंग इज ए स्पोर्ट विद अ वाइड कैनोपी. एंड व्हाट इज अ कैनोपी? कैनोपी रिजेंबल्स अ पैराशूट. It is attached to a person's body in order to allow them to glide through the air after jumping from height. इसमें बेटा क्या होता है? Person जो है, sport person जो है, वो height से jump करते हैं, ठीक है? और इनकी जो body है, उसके साथ एक canopy attach होती है, जिसकी help से ये एयर में मूव करते हैं, ये एयर में ग्लाइड करते हैं. क्लियर बेटा? नाउ सी दिस पिक्चर. दिस इज पैराग्लाइडिंग. सी, दिस इज कैनोपी. क्लियर? एंड दिस स्पोर्ट इज कॉल्ड पैराग्लाइडिंग. क्लियर बेटा? पर्सन हाइट से जंप करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कैनोपी ये मूव इन द एयर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वॉटर राफ्टिंग. बच्चे आपको नेम से क्लियर है कि दिस इज ए वॉटर स्पोर्ट इन विच अ राफ्ट इज यूज्ड टू क्रॉस अ रिवर. बेटा ये राफ्ट क्या होता है? राफ्ट इज अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म. क्लियर? राफ्ट इज जस्ट लाइक अ बोट जो वॉटर में फ्लोट करती है, ठीक है? एंड दिस इज अ स्पोर्ट इन विच अ राफ्ट इज यूज्ड टू क्रॉस अ रिवर. And what is a raft? Raft is a floating platform, beta. Clear?
Now see this picture. This sport is called rafting, water rafting, and this is a raft. See, this is a raft, beta. Clear? So water rafting is a sport in which a raft is used to cross a river. Is it clear? Now next is trekking. Trekking is a long adventurous journey on foot, beta. A trekker covers a long distance on foot through mountain areas. ठीक है बेटा, जो ट्रैकर है, जो स्पोर्ट पर्सन है, वो क्या करते हैं, वो पैदल लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं थ्रू माउंटेन एरियाज. एंड ए ट्रैकर कैन हैव अ बैकपैक ऑफ ओनली 25% ऑफ हिज वेट. ट्रैकर क्या होते हैं बेटा, जो उनको जरूरत होती है जो चीजें, वो एक बैग में डाल के साथ लेके जाते हैं. ठीक है, लेकिन उनका जो बैग पैक होता है, डैड शुड बी ओनली 25% ऑफ हिज वेट. क्लियर बेटा? नाउ सी दिस पिक्चर. दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ट्रैकिंग. और ये क्या है, दिस इज अ बैग पैक. Clear beta, and its weight should be 25% of the person's weight. Clear beta, this activity is called trekking. They are moving through mountain areas on foot. Clear bache? Now next is skydiving. Skydiving is an activity of jumping from an aircraft in the air under free fall before landing by parachute. Now beta, what is skydiving? This is parachuting from an airplane for fun. क्लियर? जो पर्सन है वो एयरक्राफ्ट से बेटा जंप करते हैं एयर में, और कुछ सेकंड के बाद क्या होता है, पैराशूट खुल जाता है और उसके बाद वो लैंड करते हैं. क्लियर? दैट एक्टिविटी, जंपिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इन द एयर, इज कॉल्ड स्काई डाइविंग. क्लियर बच्चे? नाउ सी दिस पिक्चर. दिस इज, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड स्काई डाइविंग बेटा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रैपेलिंग. रैपेलिंग इज द स्पोर्ट टू गो डाउन हिल यूजिंग अ रोप. इसमें बेटा क्या होता है, what do you mean by downhill? First, downhill means going in downward direction, niche jana, towards the bottom of the hill. Clear? Rope ki help se, rassi ki help se hill se niche utarna, that is called to go downhill, and this activity is called rappelling. Now see this. These persons are, see beta, these persons are going in downward directions. ये hill है, hill से नीचे rope की help से ये bottom की तरफ जा रहे हैं. This is called rappelling beta. Is it clear बच्चे? Now beta, next is fat five from the chapter. Beer pilling in Himachal Pradesh is worldwide famous for hosting
वर्ल्ड कप ऑफ पैराग्लाइडिंग। बेटा बीर बिलिंग इज अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश विच इज फेमस फॉर होस्टिंग वर्ल्ड कप ऑफ पैराग्लाइडिंग। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा यू विल डू दीज क्वेश्चन आंसर एंड ब्लैंक्स इन योर फेयर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू एडवेंचरस स्पोर्ट्स। यू कैन राइट डाउन एनी टू। क्लियर? नेक्स्ट इज ब्लैंक्स। फर्स्ट इज वॉटर राफ्टिंग इज अ स्पोर्ट इन विच राफ्ट इज यूज टू क्रॉस अ रिवर। देन नेक्स्ट इज रेपेलिंग। इन रेपेलिंग अ रोप इज यूज टू गो डाउन हिल। क्लियर बच्चे? एंड थर्ड वन इज बीर बिलिंग इन हिमाचल प्रदेश इज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर होस्टिंग वर्ल्ड कप ऑफ पैराग्लाइडिंग। क्लियर बेटा? यू विल डू दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड ब्लैंक्स इन योर फेयर नोटबुक। क्लियर बेटा? अगेन वी विल रिपीट। बीर बिलिंग इन हिमाचल प्रदेश इज अ वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर hosting World Cup of Paragliding. Next, this is rappelling. This activity is rappelling, and rappelling is a sport to go downhill using a rope. Next is beta skydiving. Skydiving is an activity of jumping from an aircraft in the air under free fall before landing by parachute. Now next is beta, what is this? Trekking. Trekking is a long adventurous journey on foot. A trekker should have a backpack of only 25% of his weight. Next is water rafting. Water rafting is a water adventurous sport in which an expandable raft is used to cross a river. Now this is beta paragliding. Paragliding is a recreational and competitive adventurous sport of flying paragliders. Recreational means entertaining, and competitive means for which competitions are held. Is it clear, beta? Now, beta, we have done five types of adventure sports. First is paragliding. Second is water rafting. Third is trekking. Fourth is skydiving. And fifth is rappelling. Clear, beta? Yes. What is paragliding? Paragliding is moving in air with the help of a canopy. Clear? Then water rafting is a sport in which raft is used to cross a river. The next is trekking, covering long distance on foot. Then skydiving, jumping into the air from the aircraft. And last is rappelling, going downhill with the help of a rope. Is it clear that? Now revise this lesson. Clear? And write down question answer in your fear note. That's all for today, beta. Have a nice day.